हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सभी आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी निवेशक साथियों के लिए एक बड़ी न्यूज़ लेकर आए हैं। न्यूज़ का मुखड़ा है, ईडी ने अटैच की पार्क रेजिडेंसी फ्लैट्स, तो खरीदारों ने कहा 500 करोड़ हमारे लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर इस वक्त 14 अक्टूबर की हमारे सामने निकल कर आई है। पूरी खबर जयपुर से है। आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के जाल में फंसे निवेशक की ही नहीं भटक रहे हैं, अब ऐसे लोग भी जिन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी और ऋण बैंकों से ऋण लेकर कमला नेहरू नगर के नज़दीक बने पार्क रेजिडेंसी में फ्लैट खरीदे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो फ्लैट्स बनाए गए थे और उन्हें बेचा गया था, उनके खरीदार इस वक्त बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईडी ने इस पार्क रेजिडेंसी को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति मानते हुए अटैच कर दिया। ईडी की इस कार्रवाई को देखते हुए रविवार को करीब 100-150 लोग पार्क रेजिडेंसी पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन में शामिल देवेंद्र चतुर्वेदी ने बताया कि रेजिडेंसी में 600 से अधिक फ्लैट्स हैं और 85% फ्लैट लोगों ने खरीद लिए हैं, जिनमें हमारे करीब 500 करोड़ रुपया लगे हैं। जिस ज़मीन पर फ्लैट बने हैं वह भूमि किसी और के नाम है, जबकि भूमि पर आदर्श बिल्डर स्टेट लिमिटेड ने निर्माण कराया। इस रेजिडेंसी में लोगों ने बैंक से ऋण लेकर और अपनी अन्य जमा पूंजी से फ्लैट खरीदे हैं। आदर्श सोसाइटी का घोटाला उजागर होने पर फ्लैट खरीदने वालों लोगों ने रेजिडेंसी के संबंध में जयपुर और दिल्ली स्थित ईडी दफ्तर में इसकी जानकारी दी थी। इसके बावजूद ईडी ने लोगों द्वारा खरीदे जा चुके फ्लैटों को भी अटैच कर दिया। पहले रजिस्ट्री पर रोक लगाई। प्रदर्शन करने वालों का आरोप है कि 4 माह पहले रजिस्ट्री दफ्तर में ईडी ने पत्र लिखकर फ्लैटों की रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी, अब 4 माह बाद फ्लैटों की रजिस्ट्री नहीं होने का हवाला दे रेजिडेंसी को आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की संपत्ति मानते हुए अटैच कर दिया। लोगों की मांग है कि उनकी संपत्ति पर ईडी कार्रवाई नहीं करे। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब और लाइक